फ्रेंड्स, मेरे चैनल अजय मैथिट्री में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि 6 फीट में कितने इंच होते हैं, यानी कि हम इस वीडियो में फीट को इंच में बदलना सीखेंगे और एक पॉइंट पर जानेंगे भी कि 6 फीट में कितना इंच होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि 6 फीट में कितने इंच होता है। तो आसान होगा दोस्तों, हमें जब समझ में आएगा, हमें पता होगा किस तरीके से बदला जाता है, तो हमारे लिए सब आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम दोस्तों 1 फीट में कितने इंच होता है वो लिखते हैं। तो 1 फीट कितने इंच के बराबर होता है? 1 फीट 12 इंच के बराबर होता है। ठीक है, हमारा 1 फीट 12 इंच के बराबर होता है, ये तो हमारा क्लियर हो गया, लेकिन हमें बताना कितना है कि 6 फीट का बताना है। ठीक है, तो दो तरीका है बदलने का। ठीक है, दोनों सेम ही है, बस उसका जो तरीका है अलग अलग है। जैसे कि 1 फीट है तो 12 इंच हो गया। अगर हमें 2 फीट को बदलना होता तो क्या होता, तो क्या करते, 2 × 12, तो 12 × 24 इंच हो जाता। ठीक है, अगर हमें 3 फीट बदलना होता तो हम क्या करते, 3 × 12 करते, तो 12 × 3 = 36 इंच। ठीक है, ये हो गया हमारा गुणा तरीका। इसी तरीके से हम 6 फीट को बदल सकते हैं गुणा करके। ठीक है, यानी कि 6 फीट बराबर 6 × 12 इंच। ठीक है, यही है। तो 12 × 5 = 72 इंच, यानी कि 6 फीट में 72 इंच होता है। ये तो हो गया एक तरीका। अब अगर इसी को हम डिटेल के साथ लिख सकते हैं कैसे, देखिए 6 फीट को हमें इंच में बदलना, तो क्या करेंगे, 6 फीट को हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 1 फीट इस तरह से, क्योंकि जब 6 × 1 में करेंगे तो 6 ही आएगा, फीट के फीट रहेगा। तो हम क्या करेंगे, अब 6 × 1 फीट में होता है 12 इंच, तो ये वाला लिख देंगे हम 12 इंच, यानी इंच की जगह फीट की जगह इंच वाला रख जाएगा, तो 12 × 6 = 72 इंच का इंच, यानी दोनों का मतलब सेम है, मतलब उतना ही आएगा, बस जो थोड़ा सा तरीका है ये डिटेल से हो जाएगा, ये हमारा डायरेक्टली हो जाता है। ठीक है, यानी कि हमारा कंक्लूजन जो निकला कि जब भी हमें फीट को इंच में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, उसमें 12 से गुणा कर देंगे, हमारा जो फीट है वो इंच में बदल जाएगा। तो यही तरीका बदलने का। आई होप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।